बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर पिछले एक महीने से चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान, कभी पाकिस्तान पर हमला, कभी कुछ। एक बार फिर से बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं के बाप में दम होगा तो भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। दरअसल बागेश्वर धाम में बाबा का दरबार लगा हुआ है, जहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हिंदुओं के बाप में दम होगा तो भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। कुछ लोग मेरे बयान से जलते हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। हिंदू राष्ट्र किसी पंथ के खिलाफ नहीं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे? हिंदू राष्ट्र बनने से समरसता आएगी, जाति धर्म से बाहर निकलेंगे। बागेश्वर बाबा के बयान यहीं तक सीमित नहीं थे। हिंदू राष्ट्र पर अपना नजरिया पेश करने के बाद बाबा ने पाकिस्तान को लेकर भी बड़ी टिप्पणी कर दी। बागेश्वर बाबा ने कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान का भारत में विलय होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर बाबा ने पाकिस्तान को लेकर कई टिप्पणियां की थी, जिसके बाद विलय होने वाले बयान ने तो बाबा के भक्तों के बीच उत्साह ही भर दिया। बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए कहा कि बागेश्वर धाम में सभी पंथों का सबका स्वागत है। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम पर अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार को धमकाने का आरोप लगा है और पुलिस ने SC/ST अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों गढ़ा गांव में एक अहिरवार परिवार की बेटी की शादी थी। ये परिवार पहले बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करना चाहता था और इसके लिए आवेदन भी दिया था, मगर बाद में फैसला बदल दिया। ये बात धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम को रास नहीं आई और उन्होंने शादी समारोह में पहुंचकर हंगामा किया, साथ ही धमकाया भी। धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम द्वारा दलित परिवार के लोगों को धमकाए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।